अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 10 ऐसे ब्रेन फूड जिनके इस्तेमाल से आप अपने दिमाग को जो है ना अपनी मेमोरी को मजबूत बना सकते हो, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना सकते हो। नंबर वन, आप लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल किया करें। कॉफ़ी के इस्तेमाल से जो है ना आप लोग एक्टिव रहते हो। अक्सर आप लोगों को बड़ी नींद नींद फील हो रही होती, जैसे किताब उठाई और फ़ौरन गुनगुनाई आना शुरू होगी, नींद आना शुरू हो गई। कॉफ़ी के इस्तेमाल से ये होगा आप लोगों को नींद नहीं आएगी, आप लोग एक्टिव होकर पढ़ सकोगे। दूसरा, डेली जो है ना आप लोग 7 बादाम ज़रूर खाया करो सुबह के वक्त। इसके अलावा जो है ना अखरोट का इस्तेमाल किया करें। अखरोट का इस्तेमाल आप लोग नाइट टाइम में किया करो। अखरोट आप लोगों ने देखा होगा, ये दिमाग की तरह बना होता है, ये दिमाग को जो है ना मजबूत बनाता है, आपकी मेमोरी को जो है ना शार्प करता है। इसके अलावा जो है ना आप लोग अंडे का इस्तेमाल जरूर किया करें। अंडा होता है फुल प्रोटीन। जब आपकी आपके अंदर प्रोटीन ज्यादा होगी, आप ऑटोमेटिकली एक्टिव रहोगे, एक्टिव रहोगे तो आप लोगों का पढ़ाई में दिल लगेगा। इसके अलावा आप लोग जो है ना स्ट्रॉबेरी शेक का इस्तेमाल जरूर किया करो। स्ट्रॉबेरी शेक से एक तो आप लोगों का मूड फ्रेश रहता है और आप लोग बड़े फ्रेश दिखते हो और एक्टिव। जब आपका मूड फ्रेश होगा ऑटोमेटिकली आप लोगों का पढ़ाई में दिल लगेगा, आप लोग दिल लगा के अपना जो है ना पढ़ सकोगे, खुद भी आप लोग ना बड़े फ्रेश नजर आओगे। इसके अलावा जो है ना जो मौसमी फल आ रहे होते हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। उससे आप लोगों की जो है ना खून की कमी दूर होती है। जब खून की कमी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आप लोग फ्रेश रहोगे, पढ़ाई में दिल लगेगा, हेल्दी रहोगे। जब आप हेल्दी होगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की पढ़ाई अच्छी जाएगी। इसके अलावा जो है ना एवोकाडो का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। कम अज़ कम हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कर लिया करें। और दिन में 8 से 10 ग्लास ज़रूर पानी पिया करें, खुद को हाइड्रेट रखा करें। इससे एक तो ये होगा कि आप बड़े एक्टिव रहोगे, आप लोगों का बीपी लो नहीं होगा, और फिर दूसरा आप लोगों की बॉडी बड़ी हेल्दी रहेगी। और पानी है जो आप लोगों को हेल्दी बनाता है। इसके अलावा जिन दिनों गर्मियाँ होती है उन दिनों में लेमन वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। अक्सर ऐसा होता है जब आप लोग पढ़ने लगते हो, बेहोशी, बीपी लो, चक्कर आ रहे होते हैं आप लोगों को और बड़ी सुस्ती सुस्ती फील हो रही होती है गर्मियों में, तो गर्मियों में जो है ना लेमन वाटर ज़्यादा इस्तेमाल किया करें।